अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त अंडे आ गए भाई, 3 अंडे आ गए। हेलो व्यूअर्स, सलाम अलैकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, फिर स्टार्ट होंगे। मेरा नाम है सोहेल अहमद, आप देख रहे हैं सोहेल अहमद टीवी। तो भाई आज आपको जो है वो प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, यहाँ रूम की प्रोग्रेस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोग्रेस दिखाई थी कि नेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो गई थी, और इस वीडियो में हम देखेंगे क्या प्रोग्रेस आई है, क्या एग्स वगैरह आए या नहीं आए। ठीक है, आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। बहुत सरप्राइजिंग प्रोग्रेस है, बेहतरीन प्रोग्रेस है, आप भी देखें। और जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो प्रोग्रेस आई है मेरे पास। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि 1 महीना हुआ है, यहाँ पे कैजेस भी नए, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेयर शिफ्ट किए हैं, नए केजेस में शिफ्ट किए हैं, नई जगह में शिफ्ट किए हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर माशाल्लाह से और बेहतरीन प्रोग्रेस आई है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ प्रोग्रेस, और आप भी देखेंगे इंशाल्लाह, आपको भी बहुत जबरदस्त लगेगा कि बेहतरीन प्रोग्रेस है माशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, तो ये सारे आप देख सकते हैं पेयर है मेरे, ठीक है, ये बॉक्सेस वगैरह मैंने लगाए थे इनमें। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ज़रा क्या प्रोग्रेस है। तो सबसे पहले हमारा ये पेयर है, इसको चेक करते हैं। दरवाजे में दस्तक देना ज़रूरी होता है। चले भाई, मादी आ गई है बाहर, और हम देखते हैं। अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त अंडे आ गए भाई, 3 अंडे आ गए इस पेयर के। लास्ट टाइम हमने देखा था तो इस पेयर ने जो है वो नेस्टिंग कंप्लीट की हुई थी जस्ट, ठीक है, एग्स वगैरह नहीं थे। अब देखें माशाल्लाह से 3 अंडे आ गए, और मादी मजीद लौट लग रही है, और मजीद इंशाल्लाह जो है वो चांसेस हैं कि जो है वो एग्स वगैरह आएंगे इसमें, ठीक है, 5 से 6 अंडे देगी माशाल्लाह इंशाल्लाह। मादी चले इसका जो है वो बॉक्स कर देते हैं बंद, नेस्टिंग बहुत ज़्यादा की है तो बॉक्स बंद करना मुश्किल हो रहा है। ओके व्यूअर्स, तो सेकंड हमारे पास पेयर है, ये भी अल्बाइनो टू अल्बाइनो का पेयर है, ये भी हमारा ब्रीडर पेयर है, इसमें चेक करते हैं। चलो भाई, मादी आ गई बाहर, और हम देखते हैं। अरे क्या बात है भाई, ज़बरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह। ये देखिए लूसन भी अंदर लेके गई है मादी, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह 4 अंडे हैं और चारों फर्टाइल हैं, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। मतलब जो वीडियो हमने बनाई थी तो उस वक्त मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि भाई ये जो है ना लोट हैं, तो बिल्कुल मैंने सही कहा था, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था कि वाकई में लोट थी। तो उसी के समझ ले के दूसरे तीसरे दिन से जो है वो अंडे आना स्टार्ट हो गए थे, और मेरे ख्याल से कोई 10 दिन हुए उस वीडियो को बनाए हुए। तो 10 दिन में ये एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देते हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि कितने दिनों में इन्होंने ये 4 अंडे दिए। ये देखें माशाल्लाह, ये भी अल्बाइनो टू अल्बाइनो का ही मेरा पेयर है, ब्रीडर पेयर है। साइज़ वगैरह आप चेक करें, आउट क्लास साइज़ मिलेगा अल्बाइनो का मेरे पास आपको इंशाल्लाह, ये आप चेक करें, ठीक है। चले भाई थर्ड देखते हैं, ये भी अल्बाइनो टू अल्बाइनो है, इसको देखते हैं भाई इसका क्या सीन है। अरे भाई साहब, इससे तो पूरा जो है वो यहाँ से बंद किया हुआ है कि कोई देख ना सके, कोई मसला नहीं, हमारे पास 2 दरवाजे हैं बॉक्स के। चलो भाई इस दरवाजे पे आओ, अब यहाँ से तो नज़र आएगा ना बेटा, कहाँ छुपेगी, कहाँ छुपेगी तू हमसे। इसने अभी नहीं लिए अंडे भाई, सही है, लूसन वूसन लेके जा रही है। ये देखें ये पेयर है भैया, अल्बाइनो टू अल्बाइनो, साइज़ वगैरह चेक कर लें आप माशाल्लाह, इसने अभी अंडे दिए नहीं है। चलो कोई मसला नहीं है, ये भी दे देगी, मादी लोड लग रही है उस्ताद, ये चेक करें, ये भी इंशाल्लाह इसका भी जो है ना वो अंडा आ जाएगा। चलो इसको बंद करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास हैं दिल अज़ीज़ पेयर मेरा, बेहतरीन अल्बाइनो टू डेकिनो, इसके लिए मुझे बॉक्स लाना पड़ेगा। चले ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से दोनों नर मादी अंदर हैं दोनों। चल बेटा बाहर निकल जा, डेकिनो टू अल्बाइनो, डेकिनो का मेल है अल्बाइनो की। हाँ बाहर आ गए, बाहर आ गए। अरे यार इसने भी यहाँ से बंद किया हुआ है, ये सही ये कर रहे हैं। चलो यहाँ से इस दरवाजे से देखते हैं, हाँ यहाँ से खुला हुआ है। अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया, 3 अंडे इसके भी आ गए, मुबारक हो भाई सबको। और ये देखें मैं आपको पेयर भी दिखाता हूँ, पहले अंडे आप देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना। इस सेटअप में पहला क्लच है इनका भैया,
अब देखते हैं कि बच्चे बच्चे जो हैं वो क्या निकालेंगे। अभी ऊपर मैंने फोस्टर जो मेरे पास पेयर है उनकी मक्खियाँ अभी लगाई नहीं है जो मैं फोस्टिंग करूँ ये अंडे, क्योंकि यार बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं मटकियाँ अभी लगाऊँ या मैं बॉक्स लगाऊँ। ऊपर जो है ना, आपको पता है खुला शेड है तो ऊपर जो है ना बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ तो पूरा बंद है, अल्लाह का शुक्र है। ये बेहतरीन जो है ना मैंने काम किया था यहाँ पे के सेटअप जो है ना कमरे में किया है ताकि आराम से सारी चीज़ें जो है ना मैनेज हो सके। अब यहाँ पे जितनी बारिश हो, तूफान हो, आंधी आए, मुझे कोई अल्लाह का शुक्र है कि डर खौफ नहीं है, क्योंकि ना पानी आता है अंदर कमरे के और ना कोई मसला है। मैंने पंखे वनखे लगाए हुए, देखे एक पंखा ये है एक पंखा वो है, दो दो पंखे लगाए हुए, कोई टेंशन नहीं है गर्मी वर्मी की, कोई इस तरह की सीन नहीं है। ये पेयर आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह, ये मेरा पेयर है डेकिनो 12 बाइनो का। अब मज़ीद इंशाल्लाह अंडे देगी हमारी, ठीक है। तो ये है अच्छा, और एक दूसरी मैं आपको जो है ना वो अपडेट आपको बताता हूँ। ये देखे भाई, इसका भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो प्रॉपर बना के दिखाऊंगा। ये दो नर एक मादी जो छोड़े हुए थे, अब इसमें क्या प्रोग्रेस आई क्या नहीं है इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊंगा शुरू से लेके आखिर तक। इसको मैं ज़रूर पेयर अप करूँगा इंशाल्लाह। तो ये पेयर अप करके ही जो है ना मैं इसका देखें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है, कुछ दिनों में कि मैं पूरा जो है ना इसका सेटिंग करके इस मादी को इन दोनों में से किसी नर के साथ सेट करवाऊंगा ज़रूर, ठीक है। और बाकी ये ऊपर जो मेरा पेयर था, ये पार ब्लू की फ़ीमेल है और अल्बाइनो का मेल, अल्लाह का शुक्र है पेयर अप हो गया है, ठीक है। ये जो पार ब्लू की फ़ीमेल है ना, ये ब्रीडर फीमेल है और पिछला पूरा क्लच इसने इस मेल के साथ गुजारा है। ये डेकिनो का मेल है और बच्चे बच्चे निकाले क्लियर हेड के बड़े ज़बरदस्त, तो इस वजह से ये पेयर अप करना इसको जो है वो मुश्किल हो रहा था मुझे, वरना जल्दी हो जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब पेयर अप हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। मादी ने घोंसला वोसला जो है बना रही है, अभी फ़िलहाल बॉक्स में नहीं जा रही मादी, इंशाल्लाह चली जाएगी कुछ दिनों में। तो ये पेयर है भाई, ठीक है, तो इसकी भी सेटिंग इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है कि सेटिंग नहीं होगी, सेटिंग इसकी तकरीबन हो गई है, बस वो ये भी अंडे देना शुरू कर देगी। ओके व्यूअर्स, तो माशाल्लाह आपने देखा बेहतरीन प्रोग्रेस है, ठीक है, माशाल्लाह बोल देना, और फर्स्ट क्लच है, ठीक है। देखते हैं कि बच्चे कैसे निकलते हैं और बच्चों की क्या ग्रोथ होती है, क्योंकि ऊपर मैंने पूरा सीज़न निकाला है, जो ओपन शेड है मेरा, ठीक है, वहाँ पे पूरा सीज़न मैंने निकाला, और इस कंट्रोल शेड के अंदर भी इंशाल्लाह सीज़न निकाल के आपको जो है वो दिखाएंगे किस तरीके से प्रोग्रेस आती है, आप मवाजना देख लेना दोनों का, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि अगर आप लगाएं शेड तो कैसा लगाएं। काफ़ी सब्सक्राइबर व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आ रही है बार बार के भाई आप, हम नया सेटअप लगा रहे हैं, मास्टर केज बनवा रहे हैं, बताओ कि कैसा मास्टर केज बनवाएं, ठीक है, क्योंकि मेरे बैड एक्सपीरियंसेस जो है ना मास्टर केज के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो मैं इंशाल्लाह सही आपको गाइड कर सकता हूँ अपने तजर्बे के मुताबिक। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि जैसी आप लोगों के लिए वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियो का, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह, पसीने पसीने, पंखा बंद किया हुआ है ना, वरना तो पंखा चलता रहता है, पसीने इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब वीडियो बनती है तो पंखा जब चलता है तो बहुत ज़्यादा शोर आता है वीडियो में, फिर आप लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि वीडियो में जो है वो साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है, शोर बहुत आ रहा है, इस वजह से पंखे बंद किए हैं। चले